हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है नीम के पेड़ पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। नीम का पेड़ सदाबहार होता है जो हर जगह देखने को मिलता है। नीम का पेड़ औषधीय व गुणकारी होता है। यह लंबा, घना और छायादार होता है। नीम का पेड़ पुराने समय से ही मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है। नीम के पेड़ पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और छोटे फल भी आते हैं, जिन्हें निम्बोली कहते हैं। नीम के पेड़ की पत्तियां स्वाद में कड़वी होती हैं। नीम के पेड़ को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। नीम के प्रत्येक भाग का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। नीम के पेड़ में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों, छाल, टहनी, फल और जड़ से कई प्रकार की औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ बनाई जाती हैं। नीम की कच्ची पत्तियों का सेवन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसका सेवन करने से रक्त भी साफ होता है। इस पेड़ की टहनियों से दांत भी साफ किए जाते हैं और मुंह से दुर्गंध भी नहीं आती है। नीम के लेप को फोड़े फुंसियों पर भी लगाया जाता है। यह चर्म रोग का काम करता है। इससे घाव ठीक हो जाते हैं। इसका लेप चेहरे पर लगाने से सौंदर्य में निखार आता है। नीम के पत्ते खाने से बालों के झड़ने व सफ़ेद होने की समस्या भी कम होती है। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। नीम से तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, लोशन, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, फेस वॉश आदि बनाए जाते हैं। नीम मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में भी सहायक होता है। नीम से कई बीमारियों को सही किया जा सकता है। नीम के सूखे पत्तों को गेहूं में रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते। नीम के बीज से हम नए नीम के पौधों का निर्माण कर सकते हैं। यह पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है। नीम के पेड़ की लकड़ी बहुत कठोर होती है। नीम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।